रखने का को ताल्लुक है। माजी में बहुत सारे केसेस, अभी रिसेंटली केसेस जो आसिया के मामले में जो ब्लास्फेमी का केस था वो हमारे पास बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। इसी तरह के सलमान तासीर के हवाले से ऐसे बहुत सारे वाकयात आपको मिलेंगे जो कि इस डोमेन में लाए करते हैं। सिंध वाली साइड पे भी सर मतलब माइनॉरिटीज का हाल कुछ ठीक नहीं है, वो कह रहे हैं कि हमें प्रॉपर राइट्स भी नहीं दिए जा रहे हैं। सिंध में नहीं ठीक है, उसके बाद बलोचिस्तान में नहीं है। बलोचिस्तान फ्रीडम फाइटर्स TTP और इस तरीके के बहुत सारे मिलिटेंट्स हैं जो कि नाराज पाकिस्तानी जिन्हें आप कह सकते हैं, वो सब इस मामले में यही सब मुतालबात होंगे। सर यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि अगर हम 1947 की बात करें तो स्पेशली हिंदुओं की तादाद थी यहाँ पर, ठीक है, मगर लेकिन अगर अब का हम जायजा लें तो माइनॉरिटीज जो है वो तकरीबन 1% यहाँ पर रह गई है। इसकी आपको क्या वजूहत लगती है कि यहाँ पर फैसिलिटीज नहीं दी जा रही, रिसोर्सेज नहीं है, क्या वजह लगती है? और फिर हम कहते हैं कि यहाँ पर इक्वल ट्रीट किया जाता है हर किसी को। देखिए ये कहने की बात है एक बात, दूसरा ये है हमारे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इंटरवूवन है। ये जो हमारी एक सिंपल नोशन है हम सब बराबर हैं, इस परचम के साए तले हम एक हैं, ये सारे स्लोगन्स एंड ऑप्टिक्स हैं, बेसिकली बहुत ज़्यादा जो 1947 की बात नहीं है, 1857 और उससे पहले सो कॉल्ड 800 ईयर्स का जो रूल है उसके बाद जिस तरीके से ऑल इंडिया और ये सब कुछ मामला गड़बड़ हुए हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आप इस पे कमेंट भी करेंगे तो इतना सिंपल कमेंट नहीं होगा कि मतलब बेसिकली वजह क्या है। आपका जो ओरिजिनल क्वेश्चन है क्यों माइनॉरिटीज कम होती जा रही है, मैं तो ये कहूंगा कि माइनॉरिटीज आप छोड़ें, पाकिस्तानी क्यों कम होते जा रहे हैं, पाकिस्तानी भी तो निकल रहे हैं। बीइंग अ पाकिस्तानी मैं अब भाई से बात कर रहा हूँ, मेरे पास 35-40 लाख रुपए नहीं है वरना मैं ऑस्ट्रेलिया चला जाऊंगा, मैं कैनेडा चला जाऊंगा, कहीं भी चला जाऊंगा। सो ये मसले हैं, मेजॉरिटी भी सेफ नहीं है, आप माइनॉरिटी पे बात कर रहे हैं तो मतलब दिस साउंड्स रिडिकुलस बट दिस इज अ जेन्युइन क्वेश्चन। अच्छा मेजॉरिटी भी आपने बोला सेफ नहीं है, तो ये आप बात सिक्योरिटी थ्रेट्स के हवाले से कर रहे हैं या फिर फैसिलिटीज के हवाले से कर रहे हैं? फैसिलिटीज तो बहुत दूर की बात आ गई, बेसिक राइट्स जो आपके होते हैं, फॉर एग्जांपल इफ आई एम लिविंग इन कराची तो मैं जैसे हम दोनों आपस में बात कर रहे नहीं कर सकते। अगर आप चले जाएं बलूचिस्तान में इस तरीके से, अभी आप यहाँ पे खाना खा रहे हैं फोन रख के नहीं आप खाना खा सकते, आपको हमेशा प्रॉब्लम रहती है। मैं जॉब पे हूँ, मेरी फैमिली घर पे है तो उनको ये प्रॉब्लम है, तो सिक्योरिटी के अलावा बहुत सारे दीगर इश्यूज हैं। तो सोसाइटी के माइंडसेट की बात करें आप यहाँ पर, सोसाइटी माइंडसेट, ब्यूरोक्रेसी, जो भी आप जिसे बोल सकते हैं, पूरा एक निजाम जो है वो सारे का सारा इसी तरीके से है। व्हाट डू यू थिंक कि क्या ये चीज इंडिया में नहीं है? इंडिया में है बट देर इज अ लिमिट एट एवरी एस्पेक्ट। अगर आप इंडियंस की बात करेंगे वहाँ पे मसाइल हैं, लेकिन एक एज अ नेशन जब आप किसी चीज को आपको थोड़ा सेंस होती है ना, जब आप बीमारी का एटलीस्ट आपको एहसास तो हो, हमारा मसला ये है बीमारियों का एहसास नहीं है, उनको एटलीस्ट एहसास है। 90s के बाद वो काम कर रहे हैं, दे आर How to overcome, और वो कर रहे हैं बहुत ज्यादा बेहतर कर रहे हैं हम लोगों से। फैमिली मेंबर मुझे समझ नहीं आती, बंदा तो RSS मेंटालिटी का है, तो RSS का तो मेन काम ही है कि मुसलमानों को मारो, जो उन्हें वो उधर ऑरेंज फ्लैग वाले कौन से हिंदुत्व था जो शुरू किए हुए हैं, तो उसको तो वो खत्म करता नहीं, तो अकेडमी चलाने का फायदा कोई नहीं है। सर मैं एक बात बताती हूँ आपको, हर बंदे का रिलीजन जो है वो उसका पर्सनल मैटर है, ठीक है, वो हिंदू है, वो सिख है, वो जो भी है वो उनका अपना पर्सनल मैटर है, ठीक है। अब वो जो जिस रिलीजन में है उस रिलीजन को ही वो मानेंगे ना, उस रिलीजन को ही वो प्रमोट करेंगे ना, बट वहाँ पर जो माइनॉरिटीज है उनको अगर फैसिलिटीज दी जा रही है, ये दिखावा है क्योंकि इंडिया एज अ स्टेट सेक्युलर है लेकिन मोदी इज फार फ्रॉम सेक्युलर, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। कैसे? सिख तंग है, मुसलमान तंग है, सेक्युलर स्टेट में होता है ऐसा? सर यहाँ पर भी फिर इस तरह की तहरीके है ना, यहाँ पर भी आजाद कश्मीर हमसे अलग होना चाह रहा है, गिलगित बल्तिस्तान अलग होना चाह रहा है, बलूचिस्तान अलग होना चाह रहा है, तहरीके हैं लेकिन वाजिया कत्ल नहीं है जो वहाँ पे हो रहे हैं। मतलब एवरीडे सोशल मीडिया पर आप देखते हो कि आज कोई लड़की मारी गई, कोई लड़का मारा गया, मुसलमान था क्लास से निकाल दिया गया, यहाँ ऐसी हरकतें तो नहीं होती ना। सर अगर इस तरह के वहाँ पर इतने ज्यादा केसेस है, फिर वहाँ पर इतने ज्यादा मुसलमान रह क्यों रहे हैं? एक्सट्रीमिज्म मैं मानती हूँ हर जगह है, ठीक है, एक्सट्रीमिज्म यहाँ पर भी है, हम लोग जब पाकिस्तान की बात आती है तब हम एक्शन क्यों नहीं लेते, तब उसके लिए आवाज हम क्यों नहीं उठाते, बताएं? आवाज नहीं उठा सकते हमारे जब तक कुछ बैठे कुछ बैठे हुए हैं ना ऊपर, ये बड़े बहुत लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन लफ्ज ना इस्तेमाल करना बेहतर है। गलत तो फिर इधर भी हो रहा है ना, हर जगह
लेकिन वो जब मुंह पे कह रहे हैं सेकुलर स्टेट, तो सेकुलर स्टेट बन के दिखाओ ना, दिखावे तो ना करो। क्या आपको वहाँ पर तालीमी दारों में मुसलमान नजर नहीं आते हैं? क्या आपको क्या लगता है कि उनके घरों की बिजलियां बंद की नहीं? आपको क्या लगता है वो सड़कों पर रह रहे हैं? जो लेवल ऑफ फेवरेटिज्म दूसरों को उधर मिलने लग गया ना, दूसरे हिंदू रिलीजन को, क्योंकि उसका मेन आइडियोलॉजी हिंदुइज्म फर्स्ट है, तो आप कैसे कह सकते हो कि मुसलमान वहाँ खुश है? इस वक्त मुसलमान खुश नहीं है। सर, इस तरह तो हम भी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हम भी एक इस्लामिक स्टेट है, तो यहाँ नाम की है, आप मान रहे हैं कि यहाँ पर माइनॉरिटीज तंग है? यहाँ पे भी तंग है। क्या लगता है आपको कि अगर हम बात करें इंडिया में पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हैं, ठीक है, उनकी फिल्म इंडस्ट्री में भी है, उनके रियलिटी शोज में भी आते हैं, उनके तालीमी इदारों में भी है, नाम भी है, इवन सेक्युलर कंट्री है, मनमोहन सिंह वहाँ के वो भी रह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो क्या लगता है अगर हम माइनॉरिटीज का कंपैरिजन करें तो माइनॉरिटीज वहाँ पर ज्यादा खुशहाल में नजर नहीं आती है? जब भी कोई इंटरनेशनल फोरम पर कोई बात होती है तो वहाँ की जो माइनॉरिटीज होती है वो बढ़ चढ़ कर बताती है कि इन्होंने हमारे लिए ये सब किया। मुझे पता है सिख माइनॉरिटी वहाँ पे, पंजाब सारा सिख हो गई है। हाँ, पंजाब से खुश है इस वक्त। तो सर आपको क्या लगता है पूरा पंजाब में नहीं ये तहरीक चल रही है, कुछ इलाके हैं जहाँ पर चल रही है? काफी हिस्सों में चल रही है। आप अपनी इन्फॉर्मेशन कर ले, मैं अपनी इन्फॉर्मेशन कर ले, मेरे मुताबिक तो सिख बिल्कुल खुश नहीं वहाँ पे। फिर जो वहाँ पर सिखों को फैसिलिटीज दी जाती है वो क्या है बताएं? सारे किसान बाहर आ रहे हैं, जो सारे किसान बाहर आ रहे हैं ये क्या है? अगर सारे किसान बाहर आ रहे हैं तो इंडिया कैसे एक एग्रीकल्चरल कंट्री कंसीडर किया जा रहा है बताएं मुझे, कैसे उनकी एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स हो रही है अगर किसान ही उनके बाहर निकले हुए, उनको राइट्स नहीं मिल रहे? एग्रीकल्चर इतना कंसीडर की जा रही है कि उनको कोई रोका नहीं जा रहा जितना हमें रोका जाता है। मतलब पाकिस्तान में रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप इसके साथ डील नहीं कर सकते, आप उसके साथ डील नहीं कर सकते? नहीं, आप कह रहे हैं ना किसान बाहर निकले, तो अगर वो किसान बाहर निकले हुए हैं तो फिर तो उनकी एग्रीकल्चर ही रुक जाए, उनकी तो एक्सपोर्ट्स ही ना हो, कुछ पैदा ही ना हो। नहीं, पैदावार है, लेकिन ये नहीं कह रहा कि टोटली 100% ही जो है ये कह रहा कि हम खुश नहीं, लेकिन देयर इज अ लार्ज पोर्शन ऑफ इट जो कहते हैं कि यार इश्यूज हैं। उस पोर्शन को लेकर हम पूरे इंडिया का कहीं ना जज कर सकते हैं? फिर अगर आप मुझे एक बात है, पूरे इंडिया की बात करें, आप माइनॉरिटीज वर्सेस हिंदुइज्म की बात कर रही हैं अभी। सर मेरी बात सुनिए, आपने माइनॉरिटीज वर्सेस हिंदुइज्म की जब बात की है तो मुझे एक बात बताएगा, शुरू दिन से लेकर जो हमारा एक यूनाइटेड नेशंस में भी एक जो हमारा स्टांस रहा है वो कश्मीर को लेकर रहा है कि मुसलमान जो है वो वहां पर खुश नहीं है, लेकिन कश्मीरी मुसलमान ही वहां के उठकर कहते हैं कि हम यहाँ पर खुश है, पाकिस्तान क्यों हमारा पीछा नहीं छोड़ता है? बताएं, आपने क्या पर्सनली जाकर इंडिया को विजिट किया है? नहीं। How can you say, आप सोशल मीडिया पर देखकर सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स को ही कैसे हाईलाइट कर सकते हो? फिर बताएं। बता दूं। आई हैव 5 क्लास वालों, बचपन के क्लास वालों जो इंडियन है। आपकी? हाँ जी। इधर पाकिस्तान में? इंडिया में, मैं कुवैत में होता था, मेरा क्लास वाले रह चुके हैं, अब अभी तक कांटेक्ट में हूं। तो क्या कहते हैं? कहते माइनॉरिटीज बहुत तंग है यहाँ पे। माइनॉरिटीज बहुत तंग है यहाँ पे। मेरे दोस्त संदीप आचार्य, इंडियन नाम है ना? अच्छा, सिख है। और क्या नाम है उसके? नहीं, मैं कह रही हूँ, और आपने बोला है कि वो सब तंग है, सर नो डाउट प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, पूरे मुल्क में हर कोई आपके मुल्क से खुश भी नहीं होता है। जैसे देख ले, यहाँ पर भी गिलगित बल्तिस्तान में कह रहे हैं कि हमें अलग गिलगित अलग होना चाहता है। हाँ, आजाद कश्मीर भी, आजाद कश्मीर भी। हाँ। वो तो बड़े अरसे